हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है मेरे एक नए ट्यूटोरियल में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हर हफ्ते संडे को सुबह 10 बजे एक नया वीडियो डालता हूँ इस सीरीज़ के ऊपर, जो कि है इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग बिगिनर टू एडवांस लेवल। गाइस, आप जो भी नए बंदे हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसे देख के सीख सकें। बेसिकली ये जो वीडियो मैं बनाता हूं, इसका बनाने का मकसद एक ही है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, वो लोग इस 3D रेंडरिंग और ये मॉडलिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। तो यूट्यूब में मैं इसको डालता हूँ ताकि फ्री में हर कोई सीख सके। सिर्फ छोटा सा एक चीज़ मांगता हूँ, वो है आपका एक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और मैंने एक टेलीग्राम पेज खोला है ताकि आप जब भी आपका टाइम मिले आप उसे ज्वाइन कर ले। ठीक है, और इस कोर्स को करते हुए अगर कहीं पे अटक जाते हैं तो वहाँ पर मुझे आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स का जो कैट फाइल है वो मैंने अपने ड्राइव लिंक में डाल के रखा हुआ है गूगल ड्राइव में, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि किस तरह से हम इसको जो अपना मॉडल्स हैं कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ख़ास होने वाला है। ठीक है गाइस, क्या ख़ास होने वाला है? आज हम लोग टेक्सचर्स बनाएंगे। ठीक है, फिर मॉडलिंग पे आगे निकलेंगे, क्योंकि हम मॉडल करते करते टेक्सचर करना चाहते हैं, तो जिस वजह से मैं आज टेक्सचरिंग कैसे करता है वो दिखाऊंगा, कैसे हम लोग टेक्सचरिंग करते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि यूट्यूब में आप बहुत सारा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, वहाँ आपको ये स्ट्रेट मटेरियल दिखाएगा। देखिए ये मटेरियल स्लॉट है, आप इसको प्रेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कीबोर्ड से एम भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर इस स्ट्रेट मटेरियल में आपको दिखाया जाता है कि किस तरह से मटेरियल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कॉम्पैक्ट मटेरियल जो कि ये वाला मटेरियल है, हम इसको यूज़ करेंगे और उसके साथ स्ट्रेट मटेरियल भी यूज़ करेंगे। और मैं दोनों का अंतर भी आपको बता दूंगा कि क्यों हम लोग स्ट्रेट मटेरियल यूज़ करते हैं, जो भी प्रो एडिटर्स है वो क्यों स्ट्रेट मटेरियल यूज़ करते हैं। और मुझे लगता है आप अगर मेरा ये वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आपको स्ट्रेट मटेरियल बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि क्यों हम लोग स्ट्रेट मटेरियल यूज़ करते हैं, और आप सीख भी जाओगे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये आपका कॉम्पैक्ट मटेरियल है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तब आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए इस तरह से दिखेगा, 6 मटेरियल स्लॉट्स दिखेंगे, और इसको अगर डाउन करते हैं आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा और भी मटेरियल्स। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग इस तरह से इसको यूज़ नहीं करने वाले, हम छोटा कर लेंगे इसको। और उसके लिए आप ऑप्शन में जाइए और यहाँ से साइकिल जो है, देखिए 3x2 है, 5x3 है, 6x4 है, सेकेंड टाइम क्लिक करेंगे तो ऐसे ही है, आपका 5x3 दिखाएगा। देख रहे हैं, 1, 2, 3 और ये 3 आ गया, पर हम लोग यूज़ करेंगे 6x4, तो हम लोग ऐसे देखेंगे ताकि यहाँ 6 और यहाँ पर 4 दिख जाए। ठीक है, 24 आपको मिलता है स्लॉट्स। इस 24 स्लॉट्स में है आपको जो भी मटेरियल है वो बनाना पड़ेगा। ये स्लॉट ख़त्म हो जाएगा तो आपको फिर से यहाँ जाके रीसेट यूटिलिटीज में जाके रीसेट मटेरियल एडिटर स्लॉट करना पड़ेगा, तो ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। तो मटेरियल जब आप करना चालू करेंगे, आप देखिए
ऐसा आपका आता है, ठीक है, फिजिकल मटेरियल बोल के। तो आपको यहाँ क्लिक करना है और फिर यहाँ से वीरे मटेरियल चूज़ करना है। तो फर्स्ट टाइम आपको ये शायद ना दिखे, क्यों नहीं दिखेगा मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि हमको पहले सेटिंग्स में जाना पड़ता है, ठीक है। और सेटिंग में जाके हम लोग यहाँ से रेंडर जो है, यहाँ से हम ढूंढेंगे वीरे या कोरोना, आप कुछ भी करो। आप कोरोना हम अभी नहीं दिखा रहे, कोरोना का जब हम एपिसोड निकालेंगे तब कोरोना रेंडर दिखाएंगे, आर्नोल्ड भी दिखाएंगे बाद में। तभी वीरे में हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि हम लोग वीरे सीखने वाले हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, आपको इंडिया में मैक्सिमम जगह में वीरे ही यूज़ करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो मैं वीरे 5 यहाँ आपका, आप अगर 3.6 यूज़ कर रहे हैं 3.6 कर सकते हैं, वीरे 6 यूज़ कर सकते हैं। तो वीरे हमको चूज़ करना है, वीरे GPU नहीं, सिर्फ वीरे, ठीक है। ये कर लेना, इसको क्लोज़ कर देना है, ठीक है। तो आपका स्लॉट कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर जाएंगे, तो पहला जो स्लॉट है यहाँ से जाके हम वीरे मटेरियल को चूज़ करते हैं। यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल है, मैं दिखाऊँगा कौन सा मटेरियल किस तरह से काम करता है। तो चलिए अभी जो मटेरियल स्लॉट्स है उसके बारे में कुछ मैं बता देता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वीरे 2 साइड मटेरियल यूज़ करते हैं। ये यूज़ किया जाता है कर्टेंस बनाने के लिए, ठीक है। जो शेयर कर्टेंस होते हैं जिससे हम लोग लाइट अंदर आ सके, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और पीछे उसके लाइट है, तो उस लाइट को हम उसके थ्रू, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तब हम लोग वीरे 2 साइड मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा मटेरियल सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, वो होता है ब्लेंड मटेरियल। ब्लेंड मटेरियल यूज़ होता है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं 2 टेक्सचर एक साथ यूज़ करना चाहता हूँ, एक पैटर्न के साथ, तब हम लोग ब्लेंड मटेरियल यूज़ करते हैं। कार्ड पेंट ये भी यूज़ किया जाता है, बहुत कम, ठीक है। और बेसिक जो आपका मटेरियल है वो है वीरे मटेरियल, वीरे MTL, ठीक है। इससे हम लोग सारा मटेरियल बनाते हैं, ठीक है, ये बेस मटेरियल है। आप कुछ भी मटेरियल बनाओ आपको ये मटेरियल डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग वीरे मटेरियल चूज़ कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग यूज़ करेंगे इस, ये जो सोफ़ा है इसका फैब्रिक बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा वीरे मटेरियल आ गया। अभी वीरे मटेरियल में देखिएगा, अब यहाँ पर बेसिक पैरामीटर, मैं इसको एक बार बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। देखिए यहाँ 4 मटेरियल स्लॉट दिखेगा। वीरे 5 के नीचे अगर आप यूज़ कर रहे हो वीरे 4, वीरे 3, तो ये कोट पैरामीटर और शीन पैरामीटर आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ ये 4 दिखेगा, बेसिक, BRDF, ऑप्शंस और मैप्स, ठीक है। ये ऑप्शंस भी आपको दिखेगा, ये मैप दिखेगा और ये बेसिक पैरामीटर आपको दिखेगा, ठीक है। टोटल ये 4 रहेगा। और वीरे 5 के ऊपर अगर आप यूज़ कर रहे हो वीरे 6, वीरे 5, तो आपको ये कोट पैरामीटर और शीन पैरामीटर दिखेगा। अब वीरे 6 में यहाँ पर और एक ऐड किया गया है, वो है आपका थिन सरफेस, ठीक है। तो हम लोग वीरे 5 यूज़ कर रहे हैं अभी, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में जब वीरे 6 में दिखाऊंगा तब उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक पैरामीटर में चलते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स ये हैं कि आप जब कोई भी मटेरियल बना रहे हो तो उसका बेसिक पैरामीटर क्या होगा, मतलब उसमें कौन सा टेक्सचर बैठेगा, कितना रिफ्लेक्शन होगा, कितना ग्लॉसीनेस होगा, वो सारा जितना भी चीज़ है वो यहाँ से कंट्रोल किया जाता है, वो है आपके बेसिक पैरामीटर से, ठीक है। आई होप आप समझ गए। तो फर्स्ट थिंग है डिफ्यूज़। ये जो डिफ्यूज़ चैनल है इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं, एक मिनट, इस ये जो आइकॉन आपको दिख रहा है, मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा बड़ा होकर इधर आ जाएगा, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप सब देख पाएँ कि मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, मटेरियल में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। सॉरी मेरे स्क्रीन में थोड़ा सा दाग है जिसकी वजह से आपको शायद यहाँ पर कुछ दाग दिख रहा हो, कुछ दाग है, एक मिनट इसका हटा लूँ।
ओके गाइस, तो ठीक है, आई थिंक आप सब दिख रहे हैं। तो ये जो डिफ्यूज़ चैनल है, इस डिफ्यूज़ चैनल से इस मटेरियल का कलर डिफाइंड होता है। जैसे मैंने अगर यहाँ पर इसको ब्लैक कर दिया तो देखो ये ब्लैक हो जाएगा, हो गया। ब्लैक कर देता हूँ, देखो ये धीरे धीरे ब्लैक हो गया। दूसरा कोई कलर डालूँगा तो वो उस कलर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखो ब्लू मैंने कर दिया तो ब्लू हो गया, रेड कर दिया अब ये रेड हो गया, येलो कर दिया ये भी थोड़ा सा नियॉन ग्रीन टिंच का आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कलर डिफाइंड होता है। ठीक है, अब इसमें हम टेक्सचर भी डाल सकते हैं। टेक्सचर डालने के लिए देखिए इसके पास एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें हम क्लिक करके अपना टेक्सचर डाल सकते हैं। उसके लिए हम मैप में जाएंगे, जनरल में जाएंगे और यहाँ से बिट मैप लेंगे या फिर कोई चेकर्स ले लेते हैं ऐसे। अभी चेकर्स देखिए मैं दिखाता हूँ, ऐसे चेकर्स ले लिया और ओके कर दिया तो देखो यहाँ पर चेकर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से जो है कर सकते हैं। अभी चेकर डालने के बाद देखिए ये सेक्टर चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो चेकर्स मैंने डाला है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है चेकर, तो इसका पैरामीटर दिखा रहा है। ठीक है, बैक कर लूँगा तो देख लिया, देखो यहाँ पर एक एम बोल के दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर एक मटेरियल डाला हुआ है, एम फॉर मटेरियल। ठीक है, तो इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ रफनेस है, ये रफनेस डिसाइड करता है कि जो अपना फाइल है वो कितना रफ होगा। देखो अभी ये एक ग्रे टिंट पूरा सॉलिड ग्रे में आ गया। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक शेडो दिख रहा है। दिख रहा है ना शेडो, मतलब मेरे यहाँ इस साइड से एक लाइट आया है जो इसके ऊपर पड़ रहा है और उसका शेडो इधर आ रहा है। ठीक है, तो रफ़ होने के वजह से इसमें कोई लाइट बाउंस नहीं कर रहा, तो इसीलिए इसका जो बेस कलर है सॉलिड कलर है वो दिख रहा है। ठीक है, लाइट जितना बाउंस करेगा उतना वो वाइट दिखेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर रोशनी आ गया है ना। यहाँ कुछ कस्टम प्रीसेट्स दिया हुआ है, जैसे एल्युमिनियम, देखो यहाँ पर ये एल्युमिनियम बन गया, रफ एल्युमिनियम ये कुछ, देखो ये रफ हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, ये देखो रफ एल्युमिनियम बन गया। मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि ये रेंडर होने में टाइम लेता है। ठीक है, काफ़ी टाइम लेता है, आ गया। आई होप आप दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर मैं अगर ब्रश्ड करता हूँ तो ये और थोड़ा रफ होगा, देखो ये एकदम रफ्ड हो गया। ठीक है, क्रोम, क्रोम होता है आपका स्टेनलेस स्टील वाला जो होता है ना, वो होता है क्रोम। ये बहुत ग्लॉसी कॉपर, इसमें कलर आ गया कॉपर कलर। फिर आता है कॉपर रफ, देखो रफ आ गया, इसमें रफ हो गया। ठीक है, फिर आता है गोल्ड, यहाँ तरह तरह के आपके पास दिखेगा, चॉकलेट, फिर आपका वाटर, देखो ये वाटर है। ठीक है, प्लास्टिक, देखो ये प्लास्टिक। ठीक है, तो ऐसे तरह तरह के आपको वाइट शैटिन, देखो ये एक सेकंड कलर है जो, ठीक है, पिंक सैटिन, देखो पिंक कलर है। तो यहाँ पर सिरामिक का बहुत सारा यहाँ पर वो है प्रीसेट डाला हुआ है। आप चाहो तो मान लो ये थोड़ा पिंकी पिंक कलर है, तो आप चाहो तो इसमें दूसरा कोई कलर अगर आपको ऐड करना है तो उस कलर का भी आप बना सकते हो सिरामिक। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। ओके, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट अपना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे और फिर इसके बाद आता है यहाँ पर रिफ्लेक्ट। ये रिफ्लेक्ट हो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है मान लो ये कितना ग्लॉस है, मतलब लाइट कितना रिफ्लेक्ट करेगा, वो इस जगह से डिफाइन करता है। इसमें आप दूसरा कलर यूज़ कर सकते हो, पर हम लोग कलर भी यूज़ नहीं करने वाले, कलर दूसरे टाइप में गोल्ड वोल्ड बनाने के लिए लगता है। ठीक है, तो वो अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ब्लैक एंड वाइट में ही शुरू करते हैं। वाइट मतलब फुल रिफ्लेक्शन, और जितना आप ब्लैक की तरफ जाओगे उतना कम रिफ्लेक्ट वो करेगा। ठीक है,
रिफ्लेक्शन कम होता जाएगा, देखो कम होता जा रहा है, ठीक है, रफ नहीं, रफनेस नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्शन। अभी मान लो यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्शन फुल कर दिया और इस जगह में रफनेस को वन कर दिया, देखो क्या होगा, दिख रहा है आपको, रिफ्लेक्शन फुल है पर बेस जो है वो रफ हो गया, ठीक है, पर दोनों चीज़ काम करेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अभी आते हैं ग्लॉसीनेस, इस रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है ये ग्लॉसीनेस, ठीक है, ग्लॉसीनेस वन मतलब फुल ग्लॉस, और उसके बाद अगर मैं कम करूँ मतलब 0.5 दे दूँ तो ये देखो ये ग्लॉस कम हो गया, मैट की तरफ आ गया, पर इसमें ग्लॉसीनेस है, जब आप रेंडर करोगे तो इसमें भी लाइट बाउंस करेगा, इसको अगर 0.1 कर दे तो देखो एकदम गायब हो गया, हो गया, और 0.8 कर देंगे, देखो हल्का दिख रहा है, ये प्लास्टिक टाइप का आ गया, 0.85 ज़्यादा यूज़ होता है प्लास्टिक बनाने के लिए, तो कुछ इस तरह का वो फील आएगा, समझ गया, आई होप आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा रिकैप करके आप पूरा देख लीजिए, और कहीं पे भी अगर आपको डाउट हो तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। फिर यहाँ आता है डेप्थ, डेप्थ किस काम के लिए लगता है मैं दिखाता हूँ, ये डेप्थ आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं देख पाओगे, ये डेप्थ मैंने अगर 20 कर दिया तो यहाँ पर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली ये मिरर का जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाने के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए एक मिरर आपने बनाया है, दूसरी तरफ और एक मिरर बनाया है और बीच में एक लाइट रख दिया है, तो क्या होगा, लाइट का जो सोर्स है वो इस मिरर में एक बार बाउंस करके दूसरे मिरर में जाएगा, फिर से बाउंस करके वो पिछले वाले मिरर में जाएगा, ऐसे मिरर में बाउंस होता रहता है ना, तो अगर मैक्स डेप्थ करेंगे वो 5 बार ही बाउंस करेगा, उसके ज़्यादा बाउंस नहीं करेगा, ठीक है, पर अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो वो जितना चाहे उतना बार आपका बाउंस कंट्रोल होता रहेगा, ठीक है। ये है आपका फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन, ये डिफाइन करता है कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो कितना मतलब पॉलिश्ड है, कितना पॉलिश्ड है, इसको अगर बंद कर देंगे देखो ये क्रोम बन जाएगा, ठीक है, हाई पॉलिश्ड, और इसको अगर कम करना है पॉलिश को तो आप यहाँ से इस एल बटन को दबाओ और इसको बढ़ाओ तो वो पॉलिशनेस जो है वो कम से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट 1.6 है। मेटलनेस, ये मेटल है कि आपका कोई हार्ड सरफेस है उसको डिफाइन करता है, जैसे अगर मैं 1 कर दूँ, अभी ये 1 करने से ये प्योर मेटल बन गया, क्रोम मेटल, ठीक है, यहाँ ग्लॉसीनेस अगर मैं 6 कर दूँ देख आपको दिखेगा, ये देखो मेटल है, देखा ये मेटल है, और इसको अगर मैं कम कर दूँ तो मेटलनेस भी कम हो जाएगा, ठीक है, देखो मेटलनेस कम हो गया, ग्रे कलर निकल गया, चलो मैं दूसरा कलर करके दिखाता हूँ, एक मिनट, इसको मैंने चलो ब्लू कर दिया, क्या हो रहा है, दिख रहा है, देखो इसको अगर मैं एक कर दूंगा तो ये देखो मेटल बन जाएगा, देखो अभी ये देखो मेटल आ गया, बन गया मेटल, और इसको भी अगर मैं 1 कर दूं, देखो ये बहुत हाई ग्लॉसी एक मेटल बन गया, है ना, तो ये मेटलनेस ऐसे काम करता है। तो इसको डिलीट करते हैं, चलो कर देते हैं, ग्लॉसीनेस को भी हम ऑफ कर देते हैं देखने के लिए। फिर आता है रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट करता है, ये दिखाता है कि आपका जो मटेरियल है क्या वो ट्रांसपेरेंट है, जो शीशा हम बनाएंगे ना ग्लास मटेरियल तो उसके लिए यूज़ होता है, क्या ये आपका ग्लास है, उसका ऑपोसिटी कितना ज़्यादा होगा, ट्रांसपेरेंट अगर होगा, प्योर ट्रांसपेरेंट होगा कि आधा ट्रांसपेरेंट होगा, ये इसको डिफाइन करता है। जैसे मैंने अगर इसको पूरा सफ़ेद कर दिया, देखो ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, देखो ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, कुछ नहीं है इसमें, और मैंने अगर इसको आधा कर दिया तो देखो ये आधा ट्रांसपेरेंट हुआ, दिख रहा है आपको, देखो पीछे सफ़ेद कलर दिखेगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ताकि देखो दिख रहा है सफ़ेद, और मैं अगर रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा बढ़ा दूँ और अच्छी तरह आप देख पाओगे, देखो दिख रहा है ये एक ग्लास की तरह लग रहा है ना,
और इसको अगर मैं पूरा सफ़ेद कर दूँ, देखो ये ग्लास बन जाएगा, देखो ग्लास ग्लास मटेरियल है ना, तो ये रिफ्रैक्ट ऐसे काम करता है। इसका भी ग्लॉसीनेस यहाँ से हम लोग कर सकते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास वगैरह बनाने के लिए। देखो ये फ्रॉस्टेड हो जाएगा भी, पर फ्रॉस्टेड थोड़ा भारी होता है, उसका कीमत भी ज़्यादा। देखो मेरा मशीन थोड़ा सा लैग करने लग गया, देखो फ्रॉस्टेड हो गया, दिख रहा है फ्रॉस्टेड, क्योंकि यहाँ 0.5 मिनट डाला था, ये बहुत ज़्यादा फ्रॉस्टेड है, इसलिए जितना फ्रॉस्टेड करेंगे उतना मटेरियल भारी होगा। ठीक है, फ्रॉस्टेड वैल्यू बहुत कम रखा जाता है, मैं बाद में आपको सिखा दूँगा। देखो ये, देखो जब मैंने 1 किया तब कितना जल्दी ये रिकवर कर गया, पर जब मैंने 0.5 किया था, यहाँ IOR है जिससे हम ये जो रिफ्लेक्शन है उसके बाउंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ 1.33 कर दिया, तो देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 कर दिया, देखो इसके ऊपर से एक थोड़ा सा चला गया, इतना अच्छा दिखेगा नहीं आपको। देखो दिख रहा है ये ब्लैक कलर का एक रिफ्लेक्शन हट गया। यहाँ पर अगर 5 कर दूँ, देखो थोड़ा सा और ये गाढ़ा होगा, ठीक है, तो 1.6 डिफ़ॉल्ट है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ का भी मैक्स डेप्थ वही काम करता है। अब फॉग कलर, फॉग कलर करता है क्या, इस ग्लास के कलर को डिफाइन करेगा। मान लो फॉग कलर मैंने ले लिया, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा ग्रीन टिंट जैसे दे दिया हल्का सा, देखो ये कलर ले लिया। ज़्यादा अगर कर दूंगा तो ये पूरा गाढ़ा कलर हो जाएगा। थोड़ा सा कलर इसमें डाल देंगे, तो देखो ये कलर, देखो यहाँ से कलर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इस कलर को और भी पतला करने के लिए मल्टीप्लेयर को हम अगर कम कर देंगे तो ये और पतला हो जाएगा। देखो नहीं दिख रहा आप कलर का कोई इमिटेशन, पर इसमें कलर है ना, तो इस तरह से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फॉग कलर तो हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सेल्फ इल्यूमिनेशन। ये करता है क्या, बेसिकली इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ जलता है जैसे नियॉन लाइट लाइट वगैरह इमिट करता है ना, तो उसके लिए हम लोग सेल्फ इल्यूमिनेशन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर गया, मान लो ऐसे रेड कलर में हम डाल दिए, देखो ये लाइट अप हो गया, नहीं दिख रहा है ना, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, फिर इसको ऑफ करता हूँ और इस चीज़ को भी ब्लैक कर दूँ तो दिखेगा। देखो ये नियॉन लाइट जैसा थोड़ा इफेक्ट डाल रहा है, दिख रहा है आपको। अब ये पिंक क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ ब्लू कलर है और यहाँ पर रेड कलर है, तो ब्लू और रेड आपका कलर इमिट करता है दोनों मिला के, थोड़ा बैंगनी कलर, इसलिए ऐसा। यहाँ पर अगर येलो कर दूंगा तो ये देखो ये आपका ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने इसको येलो कर दिया, येलो कर दिया हल्का सा, तो ये थोड़ा सा कलर चेंज इसमें आएगा, ठीक है। आप कुछ भी कलर करो इसमें थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ ब्लू कर दो, देखो ये ब्लू आ गया, ये देखो ये पिंक आ गया, ये देखो ये रेड आ गया। इसको थोड़ा सा उतारो तो देखो ये थोड़ा सा और डार्क हो गया, ये देखो और डार्क हो गया, दिख रहा है आपको। ये देखो एक्वा कलर आ गया, एक्वा कलर, बेसिक लाइट कलर यहाँ से ऐसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ब्लैक ही रखेंगे ताकि कुछ ना जले, मल्टीप्लेयर यहाँ पर है। अभी चलते हैं कोट पैरामीटर में। कोट पैरामीटर क्या होता है, लकड़ी का काम अगर कभी होता है तो उसके ऊपर एक कोटिंग किया जाता है उसको पॉलिश करने के लिए, तो वो पॉलिश का काम यहाँ कोट से हम लोग डिफाइन करते थे। वो एक ये आ गया इसका वाइट कलर का कोट, इसके ऊपर अगर हम रेड कलर का कोट डालेंगे तो देखो ये रेड कलर का कोट और ग्लॉसीनेस 0.5, देखो इसका 0.5 अमाउंट 0.7 दिखाता हूँ। देखो इसमें हल्का सा चेंजेस आ रहा है, दिख रहा है। सफ़ेद कलर डालेंगे तो वो नहीं दिखेगा, कलर चेंज करेंगे तभी आपको दिख पाएगा, तो इसमें हल्का हल्का कलर चेंज दिखेगा, ठीक है। तो ये कोट का काम है, आई होप आप समझ गए कोट कैसे यूज़ किया जाता है। इसको जीरो कर देते हैं, इसको भी जीरो कर देते हैं, ठीक है।
जी, शीन पैरामीटर हम लोग यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। अभी ऐसे फैब्रिक बना रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं शीन पैरामीटर। शीन पैरामीटर से क्या होता है, एक अलग सा देखो यहाँ से एक वेलवेट वगैरह बनाने के टाइम लगता है, वो हम मैं बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, ये मैप्स वगैरह है, यहाँ पर हम लोग बहुत सारे चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं दिखाता हूँ। अगर यही चीज़ मैं जाता हूँ अपने स्टेट मटेरियल पे तो क्या होगा, उस टाइम क्या चेंजेस होगा। बहुत बहुत सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये वीडियो आज बहुत बड़ा होने वाला है। वैसे ही 25 मिनट का वीडियो बन चुका है, मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आपको इसको रैप अप कर दूँ। ठीक है, तो यही चीज़ अगर मैं चलता हूँ स्टेट मटेरियल में तो क्या होगा। देखो स्टेट मटेरियल में गया, अरे भाई अब बोलोगे आप कि भैया यहाँ पर तो कोई स्लॉट नहीं दिख रहा, यहाँ तो कुछ अजब ही है, यहाँ पर कोई स्लॉट नहीं है। यहाँ स्लॉट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि स्लॉट में आपका एक वो रहता है, एक लिमिटेशन रहता है कि आप 24 सिर्फ मटेरियल ही बना सको, पर इस जगह में कोई लिमिटेशन नहीं है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना चाहे आप मटेरियल बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कितने सारे मटेरियल बना रहे हो, कोई रीसेट बटन नहीं है इधर। ठीक है, यहाँ कुछ रीसेट करने का ज़रूरत नहीं है, आप यूटिलिटीज़ में जाओ देखो यहाँ रीसेट बटन नहीं है, हट गया। ठीक है, ऑप्शन में जाओ देखो वो वाला नहीं है, कहाँ चला गया, नहीं है इधर। टूल्स में जाओ यहाँ सिर्फ कुछ और ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं रहता है वो सारा चीज़ जो आप, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये भी अलग अलग चीज़ें हैं, क्लियर व्यू, डिलीट सीन्स, ये सब अलग अलग। ठीक है, यहाँ मोड से जाके स्टेट मटेरियल। तो यहाँ कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ बनाने के लिए देखो यहाँ पर वीरे का टैब आता है इस साइड में, यहाँ आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, राइट क्लिक मटेरियल वीरे, और आप यहाँ से भी ले सकते हो, ये आ गया वीरे। ठीक है, पर देखो यहाँ पर तो कुछ और ही दिखा रहा है यार, डिफ्यूज़ मैप। देखो ये इस साइड में इसका सारा पैरामीटर रहता है, जो पैरामीटर हमने कॉम्पैक्ट मटेरियल में देखा था, दिख रहा है वही सारा मटेरियल्स का सब कुछ उधर का सामान इधर पे देखो रखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे ये दे दिया। फिर आप बोलोगे भैया तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं यहाँ से करूँ वहाँ से करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर यहाँ पे आप बहुत एडवांस लेवल पे बना सकते हो, और हर एक टेक्सचर किस तरह से कलर कोड कर रहा है, कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन कर रहा है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम जितने भी प्रोज हैं वो हम स्टेट मटेरियल यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्ट मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हम यहाँ पर मटेरियल में गए और यहाँ से इसका पैरामीटर हम फिर से कलर चेंज कर देते हैं ब्लू, चलो थोड़ा सा ब्लू टिंट। अब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये देखो इतना छोटा सा ही आएगा। ठीक है, छोटा आ गया, इसको बड़ा खोलने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। देखो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारा आपके पास ऑप्शंस है, ये मैं बाद में दिखाऊंगा। यहाँ आप ओपन प्रीव्यू विंडो करोगे तो ये देखो यहाँ पर वही विंडो खुल गया, अब बड़ा करके देख सकते हो, पर ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पर पहले से है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ पर टेक्सचर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर डिफ्यूज़ मैप, रिफ्लेक्ट मैप, रिफ्रैक्ट मैप, बम्प, रिफ्लेक्शन, ग्लॉसनेस, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारा बहुत 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 चीज़ें हैं, मैं सब दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। ठीक है, कोड बम्प, ये सारा चीज़ इधर है रखा हुआ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेटलनेस वगैरह सब कुछ है, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे काम किया जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ टेक्सचर्स खोल के रखे हैं, तो चलो कोई एक टेक्सचर ले लेते हैं। ठीक है, मान लो अच्छा हम फैब्रिक टेक्सचर बनाने वाले थे ना, तो हम लोग पहले फैब्रिक टेक्सचर ही बना लेते हैं। यहाँ पर फैब्रिक में गए और मैं एक डिफ़ॉल्ट फैब्रिक ले लेता हूँ।
ठीक है, ये मेरा फैब्रिक का एक टेक्सचर है, ये मैंने रखा हुआ था, ये आपको ऑनलाइन गूगल में आप सर्च करेंगे फैब्रिक टेक्सचर, फैब्रिक टेक्सचर, तो इस तरह का बहुत सारा टेक्सचर आपको मिल जाएगा। पिंटरेस्ट में भी आप ढूंढ सकते हो, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं अगर इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँ इस डिफ्यूज स्लॉट में, या फिर यहाँ पर ऐसे खींच के भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा ऐसे खींचो इसको। और इसको कैसे खींचता है, ऐसे क्लिक करके लेके जाओगे, नहीं ऐसे ड्रैग करना पड़ता है। और यहाँ डिफ्यूज में, ये डिफ्यूज स्लॉट है, अगर इसमें हम क्लिक करते हैं, देखो ये डिफ्यूज स्लॉट है, और इसको खींच के अगर यहाँ पर लेके जाके डालते हैं, देखो ये आ गया, फिर इंस्टेंस दिखाएगा, ये बहुत दिक्कत है। तो आप एक काम करो, यहाँ से ले जाओ और डिफ्यूज मैप में कनेक्ट कर दो, देखो आ गया ये, ठीक है। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करो, देखो आ गया, ठीक है, साइड में रखो इसको। अभी ये एक फंडा है कि हम यहाँ पर बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं कि एक मटेरियल क्या बन रहा है, पर उस जगह में आपका अगर कॉम्पैक्ट मटेरियल यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप उतनी अच्छी तरह से इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये गया डिफ्यूज मैप, अब जाते हैं हम रिफ्लेक्ट मैप में डाल के देखते हैं क्या होता है। देखो रिफ्लेक्ट मैप में डाल दिए, देखो इस ब्लू कलर के ऊपर ये चीज़ दिख रहा है, जहाँ जहाँ इसमें इस टेक्सचर में जहाँ जहाँ सफ़ेद है उस जगह में, देखो सफ़ेद कलर का आपको रोशनी देगा, वो जगह आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जहाँ जहाँ ब्लैक है वो जगह रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। फिर जाते हैं रिएक्ट रिफ्लेक्ट मैप में, अब देखो ये थोड़ा सा जाली टाइप का बन गया, दिख रहा है आपको। यहाँ से आप व्यू थ्रू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा, ठीक है। फिर जाएंगे बम्प मैप में, सॉरी बम्प मैप, बम्प मैप क्या करेगा, देखो इसमें हल्का बम्प डालेगा, दिख रहा है, इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा उठा सा टेक्सचर इसमें वो डालता जाएगा, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट मैप भी है, डिस्प्लेसमेंट मैप मैं बाद में सिखाऊंगा, वो बाद में अभी नहीं। एनवायरनमेंट मैप है, एनवायरनमेंट मैप में अगर डाल दिया इसमें कुछ आपको दिखेगा नहीं, ये एनवायरनमेंट के लिए है। ट्रांसलूसी में अगर डाल दिया तो ट्रांसलूसी में थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। IRO इस सब जगह में हम लोग इसको नहीं डालेंगे, हाँ ऑपोसिटी यूज़ करते हैं, ऑपोसिटी में अगर डालते हैं तो ये थोड़ा सा नेट टाइप का आपको फील देगा, ठीक है। रफनेस में डाल देगा तो ये थोड़ा सा रफ और आपका ग्लॉस के बीच में डालेगा, ठीक है। तो यही सब होता है, अगर हम शीन में डाल देते हैं शीन कलर तो ये थोड़ा सा ऊपर से शीन लेना शुरू कर देगा, शीन आ गया, ठीक है। तो बेसिक अभी हम लोग जो अपना उस फैब्रिक बनाना चाहते थे वो फैब्रिक बनाएंगे, तो बेसिक हम इस कलर को यहाँ डालेंगे डिफ्यूज़ में, ये मेरा फैब्रिक का बेस कलर होगा। पर ये कलर थोड़ा सा मुझे मतलब लग रहा है कि थोड़ा सा अगर डिसैचुरेटेड होता तो अच्छा होता, तो डिसैचुरेटेड कैसे करूँगा, फोटोशॉप में जाके नहीं, राइट क्लिक करो, मैप में जाओ, जनरल में जाओ, यहाँ आपको बहुत सारा सामान मिलेगा। आप, मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझिए, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो, अगर आपको लगे कि नहीं भैया आप मुझे इसको एक बार कम इसमें दिखा दीजिए कॉम्पैक्ट मटेरियल में, वो भी मैं दिखाऊंगा, इसके बाद मैं वहाँ पर भी दिखाऊंगा कि वहाँ पर कितना टफ होता है इस सारी चीज़ों को हैंडल करना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना जो मटेरियल है उसको खोल लिया, यहाँ जाओ, मैप में जाओ, जनरल में जाओ, देखो कलर करेक्शन बोल के आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसको लो, उसमें क्लिक करो, क्लिक दबाने दबा के रखो और उसके साथ कंट्रोल प्रेस करो, तो देखो आपका यहाँ पर एक ऐसे प्लस आइकॉन आ जाएगा, ठीक है। और बस इस जगह में जाके इस लाइन के ऊपर इस प्लस आइकॉन को रख के इसको छोड़ दो, देखो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। अभी हम ये मैप को खोलेंगे,
ये हो गया कलर करेक्शन वाला मैप, ठीक है, और ये आ गया मेरा रॉ मैप। अब देखो आपको फर्क मैं दिखाता हूँ, ये आ गया मेरा रॉ मैप, तो इसको भी सेम साइज में डिप्लॉय कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा कलर करेक्शन मैप, ये मेरा रॉ मैप, देखो ऊपर लिखा हुआ है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन में गया, इसका जितना भी इनपुट होगा, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हो गया, जितने भी ऑप्शंस होगा, वो आपको यहीं पे दिखेगा, ठीक है। तो ये ब्लैक एंड वाइट है, इसमें ह्यू सैचुरेशन का काम नहीं है, बहुत हल्का सा आपका ह्यू सैचुरेशन आपको दिखेगा। इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, सैचुरेशन वो भी आपका इसमें थोड़ा सा देखो ब्राउन टिंट है जो यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर बढ़ा देंगे तो ब्राउन टिंट देखो सारा बढ़ गया, इससे थोड़ा कंपेयर करो आप, इससे ये ब्राउन ज़्यादा है, तो इसको भी ज़ीरो में डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ ब्राइटनेस है बढ़ा सकते हैं, देखो ये कॉन्ट्रास्ट है, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं इसको कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ जाएंगे एडवांस में, ठीक है, और इधर जाके इसको गेन में रखेंगे। ये एफ स्टॉप वगैरह मत रखना भाई, ये प्रिंट लाइट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, गेन में रखना, ठीक है। और यहाँ से हम लोग उसका सुने गामा हैश कॉन्स्टेंट, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से इसका कलरिंग चेंज कर सकते हो, आरजीबी में इसको हम 50 कर देंगे, तो देखो ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, ग्रीन टिंट ले लिया, देखा इसमें आप कलर चेंज कर सकते हो, ओके। देखो ब्लैक, ये ब्लैक एंड वाइट था उससे अब कलर चेंज हो गया, ठीक है। देखो ये और थोड़ा सा शेन कलर में आ गया, अगर आपको ये रेड चाहिए तो इसको आप ज़ीरो कर दो, इसको ज़ीरो कर दो, देखो रेड हो जाएगा, आ गया रेड, ठीक है। और सैचुरेशन यहाँ से कम कर दो, तो ये रेड कलर का जो सैचुरेशन है वो नहीं कम होने वाला, ठीक है। अभी रेड कलर यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से हम ज़ीरो कर देंगे, और इस रेड को हम कर देते हैं 10, देखो ये हल्का सा डार्क रेड आ गया, ओ माय गॉड, 200 कर देंगे, ये देखो एकदम भयंकर रेड, ठीक है। तो इसको कर दे 50, देखो थोड़ा सा डार्क रेड, ठीक है, रेड है समझो, रेड कलर है, ठीक है, तो 100। और थोड़ा सा फीका करना है तो आरजीबी यहाँ से आप 50 कर दो, देखो ये फीका होना शुरू कर दिया, इसको 10 कर देंगे, तो और यहाँ से भी डार्कनेस हम लोग मैंने कर दिया। अभी गामा है, ठीक है, इस गामा ये मास्टर चैनल है, आरजीबी का मास्टर चैनल, यहाँ पर चेंज करेंगे पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मास्टर चैनल है, इसको हम 1.8 करते हैं, देखो ये थोड़ा सा बर्न आउट हो गया, और 0.5 कर देंगे तो ये थोड़ा सा डार्क कलर आ गया, दिख रहा है। पर अब अच्छी तरह देखो कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। मैं जब यहाँ पर 1 रख रहा हूँ, ये रेड है, पर इस रेड को अगर मैं 50 करता हूँ तो देखो ये टोटल कम हो रहा है, ये ब्लैक और रेड पूरा टोटल कम हो गया, ठीक है। पर यहाँ जब मैं कॉन्ट्रास्ट को 0.5 करता हूँ, सॉरी 0.5, देखो ये जो ब्लैक कलर है ना, ये ज़्यादा उभर के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यही काम वो करता है, 1.2 कर दूंगा तो वो ज़्यादा फ्लैश करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये सब सैचुरेशन अगर 0 कर दूंगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम यहाँ से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये था कलर करेक्शन मैप, ठीक है। अभी मान लो इस कलर को फीका करना है, बहुत ज़्यादा फीका, तो ये कलर करेक्शन मैप है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करो, मैप में जाओ और यहाँ से और एक कलर करेक्शन लो, और फिर इसको यहाँ पर आप डाल दो ऐसे, ठीक है। अभी देखो इसका हम एक विंडो प्रीव्यू खोलते हैं, चलो इसको, इसका काम ख़त्म हो गया, इसको मैंने दिखा दिया। अब इसको अगर सैचुरेशन कम कर दूँ, देखो ये इसका सैचुरेशन कितना कम हो गया, दिख रहा है, रेड नहीं रहा, थोड़ा सा कम होता गया है ना, बढ़ा दिया तो ये बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से इसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉम्पैक्ट मोड की बात करें, कॉम्पैक्ट मोड, तो हम कैसे कर सकते हैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। वेब कंपेयर कैसे करना है आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर
क्यों हम लोग वहाँ पे करते हैं यहाँ पर नहीं करते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मेरे फ्रेंड्स है जो यूट्यूब में आप लोग वीडियोस देखते हो, आप सभी मेरे फ्रेंड्स हो, तो आप लोग ये पूछते रहते हो कि सर सब जगह तो स्टेट मटेरियल दिखाता है, आप कंपैक्ट मटेरियल दिखाइए, मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। सीख जाओगे यार, मेरे साथ रहो, सीख जाओगे, प्रो बना दूंगा आप लोग को, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, देखो इसमें बेसिकली मान लो फैब्रिक का टेक्सचर कहाँ गया, ये रहा फैब्रिक टेक्सचर, ये लिंक मैं कॉपी कर लूँगा, मान लो ये है गया मैं इधर, और यहाँ से बिट मैप चूज़ कर लिया। देखो घूमना पड़ेगा इतना, यहाँ पर ले आने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, फिर बिट मैप, ओके। अब ये चैनल आएगा, यहाँ पर आपको देना है वही वाला लिंक, फिर आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा अपना जो मटेरियल है उसको, तभी यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कलर कलेक्शन कैसे हम लोग डाल सकते हैं, इसके अंदर जाओ, ये चैनल आया, इस बिट मैप के ऊपर क्लिक करो, फिर इसमें आप कलर कलेक्शन डालो एक बार, ये ऐसे दिखाएगा आप क्या ओल्ड मैप जो है अभी, मतलब ये बिट मैप जो है उसको आप हटाना चाहते हो, नहीं मैं नहीं हटाना चाहता हूँ, तो कीप ओल्ड मैप एज सब मैप बोल के आएगा, उसमें हम ओके करेंगे, फिर ऐसे ये दिखेगा, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, अलाइट इधर जाते हैं, सारे जो भी कलर्स हैं इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। इसको करते हैं ज़ीरो, इसको करते हैं ज़ीरो, देखो ब्लू कलर का बन गया। अब इस कलर करेक्शन के ऊपर हम फिर से कलर करेंगे और फिर कलर करेक्शन लेंगे और इसके ऊपर फिर से इसको ओके करेंगे, तब जाके मेरा इतना चैनल घूमेगा और फिर हम कलर्स में आके इसको डिसैचुरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बैक करो, अभी आपको अगर जो हमारा मटेरियल है उसको अगर चेंज करना है, बेस मटेरियल जो है फैब्रिक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा, फिर इसके अंदर जाके यहाँ पर आपको देखने को कलर करेक्शन का ये जो मैप है इसके अंदर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एक मैप है उसके अंदर जाना पड़ेगा, ये रहा आपका फैब्रिक का मैप, यहाँ जाओ, फिर जाके आप अपना फैब्रिक ढूँढो, ठीक है। इस तरह से यहाँ काम होता है, इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाते हैं ना, तो मतलब यहाँ पर इसको हैंडल करना बहुत टफ हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। जब आप ब्लेंड मटेरियल वगैरह यूज़ करोगे या फिर बहुत कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल, मतलब मान लो एक मटेरियल के अंदर बहुत सारा पैचेस है, दो तीन कलर्स हैं, तो उस टाइम हम लोग तो वही बात है, तो कैसे हम लोग इसको करते हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स अगर मटेरियल बनाओगे आप, किसी जगह पैच है बहुत सारा या फिर थोड़ा सा पैच हल्का हो, डीप हो, ये सब बनाते वक्त ना बहुत दिक्कत होता है आपके कॉम्पैक्ट मटेरियल में, ठीक है। पर जब आप स्ट्रेट मटेरियल में करोगे, आपको पहले पहले थोड़ा सा दिक्कत होगा, आई नो, वहाँ पर बहुत सारा कोऑर्डिनेशन रहता है, यहाँ पर इतना सारा सूता बुता सब कुछ है, तो इतने सारे नोड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगा कैसे किया जाता है, प्रो बनाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो दिखाता हूँ इसका जो मटेरियल मैं बनाने वाला था, तो मैं चला गया अपने उसी जगह पर और इन दोनों को मैं ऐसे डिलीट कर दिया, देखो यहाँ हट गया, तो ये डिफ्यूज़ मैप मैंने डाल दिया था, इसमें इसको छोटा कर दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, इसको कैसे आप मिडल माउस बटन से ऐसे इसको नेविगेट कर सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं, बस ऐसे पकड़ो और यहाँ डाल दो, देखो आ गया, पर देखो ये बहुत बड़ा बड़ा आ गया यार, इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए, मैं यहाँ से भी कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें इसमें UVW मैप डाल के भी कर सकते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने बिट मैप में गया और ये टाइलिंग जो है इसको कर दिया 5, नीचे वाला 5, तो ये देखो ये छोटा हो गया, दिख रहा है कितना छोटा हो गया,
तो मुझे अभी भी ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं यहाँ से इसको 6 और 6 कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा है ये। तो ऐसे बस ड्रैग करो और डालते जाओ, देखो ये कितना अच्छी तरह बैठ जाएगा सब कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है, तो इसको ऐसे डालते जाओ और ये इस तरह से इसके ऊपर आ गया, देखो टेक्सचर। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हम लोग टेक्सचर बनाते हैं। ये सीरीज़ जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना एडवांस मैं टेक्सचर आपको सिखाता जाऊंगा। आज टेक्सचर्स कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात किया हूँ ताकि आप समझ सको क्यों हम लोग स्ट्रेट मटेरियल यूज़ करते हैं। तो जिस वजह से ये वीडियो था, अगले वीडियो में मतलब अगले हफ्ते ठीक इसी टाइम संडे को सुबह 10 बजे इसी चैनल पे इस सीरीज़ का कंटिन्यू वर्शन आपको मिल जाएगा। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आज का वीडियो एम है 50 लाइक्स, आप लोग कंप्लीट कर देना प्लीज़। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हम लोग को वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, देखो फ्री में तो वीडियो आपको मिल जा रहा है, इतना अच्छा कोर्स भी मिल जा रहा है, एक सब्सक्राइब भी तो मारना है, इससे आपको भी पता चलेगा कि मैं कब वीडियो डाल रहा हूँ और आपको भी सीखने का मौका मिलेगा, है ना। बाद में अगर चैनल खो गया तो आपको नहीं मिलेगा वीडियोस, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखो, पूरा कंप्लीट देखो और सब्सक्राइब मार दो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, यहीं रैपअप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।